वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में उम्मीद है सब बढ़िया होंगे खैरियत से होंगे यहाँ पे तो भाई अभी ठंडी स्टार्ट होने वाली है लिटरली बता रहा हूँ पिछले एक दो दिन से बहुत बारिश हो रही थी मौसम चेंज हो रहा है इंडिया में भी मानसून चल रहा है आपको पता ही है और वहाँ पे अभी भी ह्यूमिड हो रखा है और यहाँ पे तो अभी हुडीज डालनी पड़ती है जब भी बाहर जाओ ना हवा ठंडी होती है और सुबह शाम तो ठंड होती होती है और धूप भी नहीं निकल रही है पिछले कुछ दिनों से तो खैर जो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो नए स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट तो आने स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है अपने जो सितंबर इंडेक के स्टूडेंट है ना भाई जो जिसको जिसका वीजा आ चुका है ना वो इंडिया में वेट मत करो कि हम सोचेंगे आप एक महीने बाद आ रहे हो या बीस दिन बाद आ रहे हो भाई जैसे जिसके जिसके वीजे आ चुके हैं कैसाइटर आ चुके हैं आप अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हो और आप जितना भाई जल्दी आओगे ना आपका सब कुछ जो भी यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज हैं पार्ट टाइम जॉब वगैरह आपने सर्च करनी है तो वो सब चीजें ना आपको पहले हो जाएंगी आपकी अदरवाइज अभी पता है इतना रश हो जाएगा ना स्टूडेंट्स का इतना रश वीजे भी मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली कुछ स्टूडेंट मेरे को मैसेज करके पूछ रहे हैं पाजी कि हमने प्रायोरिटी में लगाया था तो हमको ये मेल आया एम्बेसी से कि 15 वर्किंग डेज में आएगा है ना कि हमारी प्रोफाइल में कुछ गलती तो नहीं होगी भाई वो ऐसा कुछ नहीं हुआ आपकी प्रोफाइल में अगर उनको कुछ चाहिए होगा ना एम्बेसी को तो दे विल सेंड यू ई है ना कि उनको अगर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको मेल कर देंगे तो मेरे भी ऐसे दो तीन स्टूडेंट हैं जिनको ऐसी मेले आई है बट उनको घबराना नहीं चाहिए कुछ के तो वीजे आ भी चुके हैं कुछ अभी वेट कर रहे हैं तो आपका भी वीजा आ जाएगा एम्बेसी के पास भाई एप्लीकेशन इतनी आ चुकी है ना भाई उनके पास ना लाइक टाइम ही नहीं है कि वो कैसे उनको डिसीजन दे फटाफट है ना उनको भी टाइम चाहिए तो फाइव वर्किंग डेज बहुत कम होते हैं तो यही एक रीजन है कि वो मैं जोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ना उसमें डाल रहे हैं वे 15 वर्किंग डेज में आंसर दे रहे हैं और ट्राई करो स्टैंडर्ड तो में तो भूल के भी मत लगाना ठीक है यहाँ पे यार पता है क्या हो रहा है जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है उनको अभी अकोमोडेशन का बहुत शॉर्टेज चल रहा है पिछले कुछ दिनों में ही मेरे साथ बहुत ज्यादा सेशन बुक किए गए स्टूडेंट्स ने भाई मैं मना करता हूँ आपको इतने सेशन बुक मत करो कोई फायदा नहीं है आप इस उम्मीद में मेरे साथ सेशन बुक कर रहे हो कि पादी अकोमोडेशन दिला देंगे मैं लिटरली बता रहा हूँ वो आप वेस्ट कर रहे हो अपने पैसे आप मेरे साथ वन टू वन सेशन बुक कर रहे हो कि हाँ जी मेरे को रूम रूम चाहिए इस सिटी में आप दिलवा दो यार देखो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ है, है लंडन जा रहा है अगर मेरे मेरे लिंक में वहां पे स्टूडेंट को जानते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मैं आपको उनका नंबर दे सकता हूँ ठीक है और आजकल पता क्या हो गया है जो दूसरे यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट है ना वो चाहते नहीं कि हमारा नंबर आप शेयर करो तो इससे बेहतर है आप सबको ऑलरेडी पता ही है एक तो देखो अगर इसके लिए आप सेशन बुक कर रहे हो तो प्लीज आप बुक मत करो क्योंकि कोई फायदा नहीं है मैं मेरे भी यार देखो बहुत मुश्किल है अकोमोडेशन का बहुत शॉर्टेज हो चुकी है मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ तो आप इस उम्मीद में बुक मत करना कि पाजी अकोमोडेशन दिला देंगे मैंने आपको बताया कि मैं कितनी हेल्प कर सकता हूँ वो मैंने आपको बताया कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ अभी मैं उनको भी पूछता हूँ वो कहते हरनीत यार रूम ही नहीं है है ना वो भी सीधा बोल देते मेरे मैं रूम कहाँ से लाऊंगा ना तो उसके लिए सबसे बेटर है आप सबको ऑलरेडी पता है लाइक डेढ़ साल हो चुका है ऑलमोस्ट डेढ़ दो साल होने वाला है अभी तो मैं एम्बर स्टूडेंट के साथ काम कर रहा हूँ ठीक है उनका ना लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ठीक है उसका मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा जो भी उनका लिंक है तो उस पर आपने जाना है अपनी डिटेल डालनी है जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज है ठीक है उस पर आप अपनी यूनिवर्सिटी नेम डालो सिटी डालो जो भी नियर बाय लोकेशन जो भी अकोमिडेशन प्राइवेट अकोमोडेशन होंगी ना आपको वहाँ पे शो हो जाएगा आप वो करके आओ बुक सबसे बेटर है स्टूडेंट अकोमोडेशन चाहे लड़कियां आ रही हैं चाहे लड़के आ रहे हैं आप स्टार्टिंग में अकोमोडेशन बुक करके आना मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको अगर आपके पास रूम ना ना हुआ आपने सोचा चलो वीजा आ गया अब तो हम मजे करेंगे फ्री हो गए हैं असली टेंशन तो भाई अब स्टार्ट हो रही है ठीक है असली आपका जो मेन आगे का हमने काम जो अभी जॉब की पार्ट टाइम जॉब वगैरह अकोमोडेशन ये सब चीज़ें है ना फॉर्मेलिटीज़ ये सब जो स्टार्टिंग में अभी एक दो महीने आपको सेटल डाउन होने में लगेंगे तो अब ये मत सोचो कि हमारा वीजा आ गया हम बहुत खुश हो गए हैं सब कुछ इजी हो जाएगा ये हो गया वो हो गया बस कम्प्लीट हो गया है ना अब हम यूके पहुंच गए हैं खाली यूके में पहुंचना कुछ भी नहीं है तो मैंने आपको बता दिया अकोमोडेशन आपने कैसे बुक करनी दी जस्ट थ्री स्टेप है और पूरा ट्रांसपेरेंट है इनका प्रोसेस और सेफ एंड सिक्योर है हंड्रेड ठीक है किसी स्टूडेंट का को कोई घबराने की बात नहीं आपको रूम मिल जाएगा इनके साथ मेरे को डेढ़ साल से ऊपर हो चुका है काम करते हुए और जिस भी सिटी में आप यूके की किसी भी सिटी में जाना चाहते हो तो इनके पास सभी अकोमोडेशन अवेलेबल हैं अभी इस टाइम पे और वो भी जिनके कैश लेटर आ गए हैं तो साथ के साथ अपनी अकोमोडेशन बुक कर लेना डिस्क्रिप्शन में मैंने एम्बर का लिंक दे दिया है और मैं कमेंट में भी इनको पिन कर दूंगा अग, अगर आपको खुद नहीं बुक करना आता कैसे करना है एम्बर पे तो आप अपनी डिटेल्स फिल करो दे विल टेक्स्ट यू है ना दे विल कॉन्टेक्ट यू तो आपको वो पूरा गाइड करेंगे हेल्प कर देंगे और आपकी अकोमिडेशन को एक बार आपकी अकॉमिडेशन सॉर्ट आउट होगी ना फिर भाई आप आराम से आओ ठीक है जॉब आए पंद्रह दिन में ढूंढो बीस दिन में ढूंढो तो ये मेरा बताना बहुत जरूरी था क्योंकि स्टूडेंट मेरे को बहुत मैसेज कर रहे हैं अकोमोडेशन के बारे में और जितने मेरे लिंक है देखो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरा क्या है ना जो मेरे पास जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके पास कोई अकोमडेशन होता है तो मैं तो साथ के साथ पूछ के बताते हाँ भाई ये रूम अवेलेबल है आप बात कर लो ठीक है इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता जिस दिन मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे तो फिर देखेंगे है ना तो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे बट कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है अपने पास है ना तो खैर इसके बाद देखो जिनके वीजे आ गए हैं वो डिले मत करना मैं बता रहा हूँ आपको कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा जितना आप लेट आओगे अगर आप सोचोगे आपका वीजा आ चुका है आप जाओगे दस पंद्रह दिन के बाद बीस दिन के बाद एक महीने बाद तो वो कोई पॉइंट नहीं बनता मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपकी क्लासेस सेप्टेम्बर में भी स्टार्ट हो रही है ना आप इस महीने पहुंच जाओ यूके आप जितना जल्दी आओगे ना आपका उतना भला होगा भला इस सेंस में होगा क्योंकि आपके जो फॉर्मेलिटीज बैंक अकाउंट वगैरह एन आई एन अप्लाई करना जीबी रजिस्टर करना पार्ट टाइम जॉब वगैरह देखो जिसको जिसको जहां जॉब मिलती है अपनी जॉब पकड़ के वहां पे फिक्स बैठ जाओ कि हाँ अब ये काम करना ही करना है अब नखरे मत दिखाना और स्टूडेंट मेरे को पूछ रहे थे पाजी कि आप इसके बारे में बताओ कि हम जैसे एयरपोर्ट पे आते हैं ठीक है यूके एयरपोर्ट पे है ना दो तीन एयरपोर्ट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट उस पर ही आते हैं लंडन एयरपोर्ट लंडन में है और अपना बर्मिंगम बर्मिंगम वाला ठीक है बर्मिंगम इंटरनेशनल तो लंडन हिथरो पे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट आते हैं बर्मिंगम पे भी आप आ सकते हो जिनकी यूनिवर्सिटी बर्मिंगम में है वूस्टर में है मैनचेस्टर में है मैनचेस्टर वाला भी एयरपोर्ट है और टिकट थोड़ी सी महंगी पड़ती है तो लंडन वाले भी जैसे आप पहुंचते हो तो भाई वहां से आपको कैब कभी भी नहीं करवानी है ना आपको बर्मिंगम से कराने की जरूरत है कैब कैब बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है और सिम जो आपको सिम कार्ड है ना वो तो देखो आप जब इंडिया में हो ना तो आप वी पे जाते हो तो आपको वहां से सिम मिल जाता है तो वी में वो आपको सिम दे देते हैं यहाँ पे आप जैसे एयरपोर्ट पे आते हो आपका सिम एक्टिव हो जाता है चलने लग जाता है साथ के साथ वाईफाई वगैरह भी चल रहा होता है ठीक है वाई फ्री होता है कोई इश्यू नहीं है तो आप अपना आके जैसे यहाँ पे आए अपने इंडिया में जो डेबिट कार्ड है वो अपना साथ में लेकर आओ ट्राई करो कि उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन करके आना जो भी आप फॉरेस्ट कार्ड कुछ भी लेकर आ रहे हो क्योंकि यहाँ पे कैश आप कैश भी पूछ रहे थे मेरे को तो थाउजेंड बोलूंगा मैं थाउजेंड पाउंड लिख रहा हूँ बहुत है बाकी आपके घर वाले बाद में आपको ट्रांसफर कर देंगे जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा ज्यादा कैश कैरी करना का वो नहीं है क्योंकि अभी आपको पता नहीं है जिस अकोमोडेशन में आप जा रहे हो अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो आपको दूसरे बंदे का पता नहीं है ऐसा ना हो कि आपका कट जाए तो यहाँ पे ऐसे चलता है मैं बता बता रहा हूँ आपको ऐसे होता है यहाँ पे कि कल को आपके पैसे कोई चुरा लेना तो कोई फायदा नहीं है उसका तो ज्यादा कैश भी मत लेकर आना और किसी पे जल्दी ट्रस्ट मत करना स्टार्टिंग एक दो महीने तो अपना ध्यान से खेलना जो भी करोगे आप जो भी आपने करना है अपने यूनिवर्सिटी में जाओ ठीक है वहां आपकी क्लासमेट मिलेंगे वहां पे आप अपने फ्रेंड देखो वहां पे आप फ्रेंड बनाओ जो आपकी पढ़ाई में आगे काम आए है ना असाइनमेंट्स वगैरह में आगे आपकी हेल्प हो जाए अगर आपने वैसा अपने आगे सर्कल बना लिया कि हाँ सब पार्टी करने वाले हैं क्लब जा रहे हैं पब जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो नए नए स्टूडेंट आते हैं ना यहाँ का चका चौन देख के बहुत ज़्यादा लाइक वो हो जाते हैं कि हाँ जिसने कभी देखा नहीं होता जिसको कभी फ्रीडम नहीं मिली होती तो वो ये सब चीज़ों में पड़ जाते हैं उनकी सोसाइटी गलत हो जाती है और फिर आप असाइनमेंट से पीछे पीछे हो जाते हो तो मैं देखो पहला आपको यही बोलूंगा कि जो केरला या साउथ के स्टूडेंट आते हैं ना भाई अगर आपके सर्कल में वो आपके फ्रेंड बनते हैं ना देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आपको मानो या ना मानो आपकी मर्जी है बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अगर आप कहीं से भी आ रहे हो ट्राई करो कि जो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स है ना भाई उनके साथ फ्रेंडशिप करो ठीक है एक तो वो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं पढ़ाई में और भाई खाना तो वो बहुत टेस्टी बनाते हैं ना मैं रहा भी हूँ है ना उनके साथ तो आप उनके साथ फ्रेंडशिप करो कि कल को फ्यूचर में आप भी उनकी कोई हेल्प कर सको वो भी आपकी हेल्प कर सके ना पढ़ाई में तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और हेल्प भी करेंगे आपकी है ना तो ऐसा सर्कल बना लोगे कि सब क्लब में जाने वाले हैं खाने पीने वाले हैं तो फिर आपका काम तो फिर आप नीचे गिरोगे उल्टा तो ये सिम आपको मिल जाएगा कैब आपने बिल्कुल नहीं करनी है आप बस से भी आ सकते हो एयरपोर्ट पे ही बस स्टॉप है नेशनल एक्सप्रेस का सिर्फ आपके 20 से 25 25 30 पाउंड लगते हैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको 25 30 पाउंड में आपको टिकट मिल जाती है बस की लगेज के वो 8 पाउंड एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं पर लगेज का नेशनल एक्सप्रेस अगर आप बर्मिंगम तक आ रहे हो तो इतना ही वो चार्ज करते हैं तो आप पच्चीस से तीस पाउंड में ना आप लंडन से बर्मिंगम आ जाओगे कोई स्टूडेंट अगर बर्मिंगम आ रहा है तो बर्मिंगघम भी भाई अब न्यू स्ट्रीट से उतरोगे ना तो साथ के साथ डिग को स्टेशन है अब बस स्टॉप बिल्कुल साथ में ही है ठीक है अगर आप स्टेशन से उतरते हो अगर दो तीन लगे जाए ना आपके पास तो आप कैब कर लो वो आपकी कैब ना सिर्फ बस स्टॉप तक पता कितने लेगी आठ दस पाउंड मैक्सिमम उतारा इतनी लगेंगे आपके ज्यादा नहीं लगेंगे अगर तो कोई देसी बंदा हुआ तो पांच पाउंड में भी आपको पास में ही तो है भाई आपके पास लगे चलो आपको उठाना मुश्किल हो रहा है तो आप कैब कर सकते हो पांच दस पाउंड मैक्सिमम लगेंगे वो आपको बस स्टॉप छोड़ेगा आगे आप जहां भी जाना चाहते हो वहां से कॉन्टीन्यूस बसे चलती रहती है आप ना यार नेशनल एक्सप्रेस इनकी वेबसाइट पे बसेस चेक कर सकते हो कोचेस फ्रॉम बर्मिंगम टू मैनचेस्टर या आप कहीं भी जा रहे हो लंदन जा रहे हो है ना जहां भी आपने जाना है तो आपको कोचेस वहां से कॉन्टिन्यूस मिलते रहेंगे कैब मत करना लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बता रहा हूँ अगर आप सोचे की हम लंदन से बर्मिंगम जाएंगे कैब पे तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा दो सौ ढाई सौ सौ तीन सौ पाउंड मांगते हैं आपको पता भी नहीं है इससे अच्छा अगर आपको बस का यार बस स्टैंड तो वहां पे ही है ना आपको समझ आ जाएगा नहीं समझ आता तो किसी को पूछ लो हेल्प मांग लो किसी से आप नए हो ना तो भाई सभी आपकी हेल्प कर देंगे ऐसा नहीं है आप उनसे पूछोगे ना वेर इज द बस स्टॉप कैन यू प्लीज हेल्प मी प्लीज प्लीज गाइड मी है ना ऐसे बोलोगे उनको प्लीज प्लीज करके बोलना पड़ता है यहाँ पे तो बोलोगे वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे अगर आपको फिर भी नहीं बदल लग रहा ना फिर आप वहां से लंदन पेडिंगटन जाओ मेट्रो से है ना ट्रेन वहां पे ही ट्रेन स्टेशन है आपका ठीक है वहां से आप अपना पेडिंगटन गए पेडिंगटन से आपको जहां जाना चाहते हो ना आगे की आपको ट्रेन मिल जाएगी ट्रेन की टिकट थोड़ी सी महंगी है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप उसमें भी जा सकते हो ट्रेन की टिकट आपको अगर सपोज करो कि किसी ने लंडन से सीधा बूस्टर जाना है तो लंडन पेडिंगटन से जो ट्रेन बूस्टर की डायरेक्ट मिल जाती है सिर्फ ढाई घंटे की जर्नी है और डायरेक्ट मिल जाती है और उसकी टिकट है आई थिंक फोर्टी फोर फिफ्टी के आसपास है इतने लाइक फोर्टी फोर फिफ्टी पाउंड लगते हैं uh, मैं तो देखो ज़्यादातर बस से ट्रैवल करता हूँ ना जहाँ पैसे बचते हैं तो वहाँ पैसे बचाओ तो बस पे भी अच्छा रहता है टाइम इतना ही लगता है अगर बस पे भी जाओ बर्मिंगम से लंडन तो ढाई घंटे लगते हैं ज़्यादा टाइम लगता नहीं है तो आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे ट्रैवल कर सकते हो बस आपको साथ के साथ नीचे एयरपोर्ट पे मिल जाती है तो ये आपका बढ़िया हो जाएगा बाकी यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट है जिनको अकेले ट्रैवल करना जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं उनको मुश्किल आए तो उनको लगे कि हम अकेले ही ट्रैवल कर रहे हैं कोई भी नहीं है साथ में तो आपने भाई जिस कंसल्टेंट से अपनी फाइल लगवाई है ना ठीक है उसी कंसल्टेंट के पास उसी यूनिवर्सिटी में और भी बच्चे जा रहे होंगे है न तो मैंने भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके वीजे आए हैं अभी जो कुछ स्टूडेंट वीज़े का वेट कर रहे हैं तो मैंने क्या किया कि जो सेम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो मैंने उनको नंबर शेयर कर दिए एक दूसरे के तो उसमें क्या होता है कि वो आपस में बात कर रहे हैं अभी भी इस दिन को फ्लाइट करते हैं इस दिन को चलते हैं टिकट करा के है ना तो साथ में आ सकते हैं तो वो बेटर हो जाता है फिर एक दूसरे का साथ हो जाता है अकोमोडेशन में भी हेल्प हो जाती है तो आप अपने एजेंट से बात करो कि हमें और स्टूडेंट हैं जो आपके बैच आप भेज रहे हो कितने बच्चे हैं ना जो इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बीस लिंटन में या बर्मिंग में किसी में भी तो आप उनसे बात करो भाई अगर वो हेल्प कर सकते हैं आपको नंबर दे सकते हैं स्टूडेंट्स के तो अच्छी बात हो जाएगी तो मेरे काफ़ी स्टूडेंट थे बूस्टर वाले मैंने एक दूसरे का नंबर उनको शेयर कर दिया भाई आप खुद देखो एक दूसरे को ना हेल्प हो जाती है अकोमोडेशन में भी आप शेयरिंग में रूम मिल जाता है वो भी हो जाता है तो ये चीज़ आप कर सकते हो बाकी एक वीडियो बनाना था और जिनके भाई अभी डेफर हुए हैं ना लिटरली बता रहा हूँ सेम यूनिवर्सिटी में बिल्कुल अप्लाई मत करना अगर आप मेरे थ्रू एप्लीकेशन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया हुआ स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन वाला उस पर अपने जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो ठीक है आपका ऑफर लेटर थ्री टू फाइव वर्किंग डेज में आ जाएगा और अभी ऑफर लेटर इशू होने स्टार्ट हो चुके हैं जनवरी टेक की बात करता रहा हूँ मेरा एक स्टूडेंट है उसने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया बूस्टर में उसका दो तीन दिन में ही ऑफर लेटर आया है DMU ने भी ऑफर लेटर देने स्टार्ट कर दिए हैं, UEL के अभी एप्लीकेशन जस्ट जस्ट अभी पोर्टल ओपन हुआ है उनका यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंडन का उनके ऑफर लेटर भी इस महीने में मिड में या इसके पंद्रह सेप्टेम्बर के बाद इशू होने स्टार्ट हो जाएंगे तो अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जनवरी इंटेक के लिए एप्लीकेशन करना चाहता है तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो एक यूनिवर्सिटी है रोहैम्पटन यूनिवर्सिटी वो अभी नवंबर इनटेक में ओपन हुई है उसमें भी दो प्रोग्राम है एमबीए और एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है शायद ये दो कोर्सेज ही है उनकी वेबसाइट पे नहीं आ रहा बट हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है तो अगर आप नवंबर इनटेक करना चाहते हो तो वो यूनिवर्सिटी भी अभी ओपन हुई है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे को डिस्क्रिप्शन मैंने आपको फॉर्म दिया हुआ है और जिनके भाई डेफर हुए हैं तो कपल है ना जो कपल वो अभी जनवरी में देखो यहाँ पे नहीं आ सकते ठीक है यूके में तो आप यूरोप का भी करना चाहते हो तो अभी मैंने यूरोप का भी कर रहा हूँ फिनलैंड बहुत अच्छी कंट्री है यूरोप में और भी अच्छी कंट्रीज हैं बट मैं फिनलैंड मेजोरिटी कपल्स के लिए इसलिए क्योंकि फिनलैंड बेटर देन अदर्स आप थोड़ा खुद रिसर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा अगर आप यूरोप में भी इंटरेस्टेड हो तो मैंने यूरोप का भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो तो खैर अभी अगली वीडियो में मिलते हैं अकोमोडेशन का मैंने बताना था आपको तो कि अकोमोडेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम पे अपना रहने का जुगाड़ करके आओ होटल बहुत महंगे मिलेंगे आपको ठीक है लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया इनके एम्बर वालों का तो आप इनसे खुद ही बात कर लेना तो अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए अपना ध्यान रखें फैमिली के साथ जितना टाइम हो स्पेंड करो एंजॉय करो खाओ पियो घूम लो जितना टाइम हो अभी थोड़ी देर न यहाँ पे आ जाओगे तो आपको थोड़ा डिप्रेसिंग लगेगा स्टार्टिंग में वो एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि होम सिकनेस होती है सबको कोई भी चाहे लड़का आ रहा है चाहे लड़के आ रही वन मंथ स्टार्टिंग में ना आपको बहुत ज्यादा अजीब सा लगेगा कि मैं कौन सी दुनिया में आ गया कौन जब वोस्टर आया था मेरी तो मैं तो शौक हो गया था वो तो वैसे भी लाइक ब्रिटिश टाउन है ना वहाँ पे अपने इंडियंस भी बहुत कम है बट अभी हो चुके हैं बट बूस्टर में जब आए थे हम नए नए तो वहाँ पे तो इंडियन दिखते ही नहीं थे मैं अकेला ही टर्बन वाला घूम रहा होता था, था। <laughs> तो अभी वहाँ पे पंजाबीज भी बहुत हो गए हैं तो वो अच्छा टाउन है बूस्टर अगर किसी को उसमें अपर्चुनिटी मिलती है तो वो मिस नहीं करनी चाहिए आप लाइक ब्रिटिश स्टूडेंट आपकी क्लास में होते हैं ना उनके साथ आप बैठ के पढ़ते हो तो दूसरी नेशनैलिटीज होती हैं तो वो आपको अच्छा लगेगा कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे लाइक मेजोरिटी क्लास में सब इंडियंस बांग्लादेशी पाकिस्तानी सब वही बैठे होते हैं तो फिर वो इतना ठीक है जैसे आपको एडमिशन मिलती है उस पर डिपेंड करता है तो अगली वीडियो में मिलते हैं अपना ध्यान रखे के, टेक केयर बाय